नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने नए NFO एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में। ये NFO ओपन होने वाला है 29 जनवरी 2021 और क्लोज होने वाला है 5 फरवरी 2021 को, और ये स्कीम रीओपन होगी फंड एलोकेशन होने के बाद 5 वर्किंग डेज के अंदर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बार और बताना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई होती है। तो ये शुरू करते हैं एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, और ये जो दूसरी स्कीम है उसका नाम है श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना। श्रोडर एक इंटरनेशनल AMC है, और ये जो फंड है वो इंटरनेशनल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग सार एंड ताइवान की कंपनियों में। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना में इन्वेस्ट करके। इस स्कीम का बेंचमार्क है MSCI गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स। तो अब हम इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस स्कीम का 95% से 100% तक इन्वेस्टमेंट श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना के यूनिट्स में होने वाला है, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है मीडियम टू हाई, और बाकी का 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट डेट, मनी मार्केट, लिक्विड इस प्रकार की स्कीम में होने वाला है, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। तो दोस्तों, हमारे एक्सिस के NFO की जानकारी के लिए अब हमें जानकारी लेनी पड़ेगी श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना फंड के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली 95% से लेकर 100% इन्वेस्टमेंट इसी फंड के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों, श्रोडर एक इंटरनेशनल AMC है, और भारत में एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ इसका टाई अप है। और अब हमें देखने हैं इस फंड के कुछ फंड फैक्ट्स। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इस फंड का फंड मैनेजर है लुइसा लो। ये फंड मैनेज करते हैं सिंस 1/9/2002। फंड मैनेजमेंट कंपनी है श्रोडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यूरोप, डोमिसाइल लग्जमबर्ग। फंड लॉन्च डेट 28 मार्च 2002, और शेयर क्लास लॉन्च डेट 28 मार्च 2002। फंड बेस और शेयर क्लास करेंसी है US डॉलर। फंड साइज है 3,277.93 मिलियन US डॉलर। होल्डिंग्स है 86, यानी कि करीब 86 स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करती है। टारगेट है MSCI गोल्डन ड्रैगन, कंपेरेटर मॉर्निंग स्टार ग्रेटर चाइना इक्विटी सेक्टर। इसके फीस एंड एक्सपेंसेस है ऑनगोइंग चार्ज 1.85, रिडम्पशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम परचेज अमाउंट है $1,000। ये था इसके फंड फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे इसके शेयर क्लास परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस टेबल में आपको दिखेगा 1 मंथ का 3 मंथ का YTD, 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, शेयर क्लास, टारगेट एंड कंपेरेटर, तीनों के रिजल्ट। इसके बाद है 12 मंथ परफॉर्मेंस, और 5 साल के परफॉर्मेंस देखे श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना, MSCI गोल्डन ड्रैगन NR और मॉर्निंग स्टार ग्रेटर चाइना इक्विटी सेक्टर। जो डार्क ब्लू कलर है वो श्रोडर का है, पिंक कलर है वो MSCI का है, और ग्रीन कलर है वो मॉर्निंग स्टार का है। अब हम देखेंगे ग्राफ के जरिए इस फंड के 5 साल के रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू लाइन है वो श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना की है, पिंक लाइन है वो MSCI गोल्डन ड्रैगन है, और ग्रीन लाइन है वो मॉर्निंग स्टार ग्रेटर चाइना इक्विटी सेक्टर की है। 2016 से लेकर 2021 तक का जो रिटर्न है उसका ग्राफ यहाँ पर दिखाया है। तो मान लीजिए कि 5 साल पहले अगर $10,000 का इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो किसका रिटर्न कितना है, कौन से टाइम पे, ये इसमें दिखाया है। 10,000 से कम भी हुआ था, फिर धीरे 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 बढ़ने के बाद आज करीब MSCI मॉर्निंग स्टार $20,000 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट डबल 5 साल में, जबकि श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना करीब $30,000 से $24,000 के आसपास है, मतलब कि 150 से थोड़ा ही कम परसेंटेज का रिटर्न मिला है, जबकि बाकी MSCI और मॉर्निंग स्टार में करीब 100% रिटर्न मिला है 5 साल में। तो ये था इस फंड का 5 साल का परफॉर्मेंस, जो कि काफी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव है। अब हमें देखना है इस फंड का एसेट एलोकेशन। तो पहले हम देखेंगे इस फंड में सेक्टर वाइज एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर आपको जो डार्क ब्लू लाइन दिख रही है वो इस फंड की है, और जो पिंक लाइन है वो टारगेट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर,
आईटी, फाइनेंशियल, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, अदर्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, लिक्विड एसेट, रियल एस्टेट एंड एनर्जी, इतने सेक्टर के अंदर कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर हो रहा है। अब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन के बारे में, यानी कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर चाइना के अंदर 68.9%, ताइवान में 16.9%, हांगकांग में 11.5%, लिक्विड एसेट्स है 1.9% और ऑस्ट्रेलिया में 0.8%, इतना इन्वेस्टमेंट इतने प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है। अब हम देखेंगे इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स, यानी कि श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना का जो टॉप 10 होल्डिंग है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग 7.9%, अलीबाबा ग्रुप 6.1%, टेंसेंट 4.8%, AIA 3.6%, मीडियाटेक 2.8% और चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस ग्रुप 2.2%, सेंस चाइना 2.2%, चाइना लाइफ इंश्योरेंस 2.1%, प्राडा स्पा 1.9% एंड ग्रेट वॉल मोटर कॉरपोरेशन 1.7%। ये थे टॉप 10 होल्डिंग्स। ऐसे ही करीब 86 होल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना के बारे में, जहां पर हमारा एक्सिस का NFO 95 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब हम वापस आते हैं हमारे एक्सिस के NFO पर, एक्सिस के यूनिट एंड ऑफर की बात करेंगे। ये फंड ओपन हो रहा है 29 जनवरी 2021 से लेके क्लोज हो रहा है 5 फरवरी 2021 को। प्रति यूनिट 10 रुपए के भाव से आपको यूनिट्स मिलेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है फ्रेश परचेस के लिए 5,000 रुपए, मिनिमम टारगेट अमाउंट है 10 करोड़ रुपए और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। और प्लान्स एंड ऑप्शन की बात करें तो रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ही प्रकार के प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। ऑप्शंस की बात करें तो ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों ही प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। डिविडेंड ऑप्शन में डिविडेंड पेमेंट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। इनिशियली इसका एक्सपेंस रेशियो 2 से लेके 3% होने की संभावना है। जैसे जैसे फंड की साइज बढ़ती जाएगी इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। अब इसके लोड स्ट्रक्चर की बात करें, एंट्री लोड एज यूजुअल नॉट एप्लीकेबल। और एग्जिट लोड की बात करें तो 10% यूनिट्स को अगर आपने 1 साल के पहले रिडम्पशन या स्विच किया तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन 10% से ज़्यादा यूनिट आपने 1 साल के पहले स्विच रिडम्पशन किया तो आपको 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। रिस्कोमीटर पे नज़र डालें तो इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो एसेट है, ज़्यादा रिस्क वाले इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न के लिए लंबे समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में। थोड़ा सा समराइज करें तो ये स्कीम का एसेट एलोकेशन है 95 से 100% तक श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना के अंदर। ये एक इंटरनेशनल AMC है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के कंट्रीज में इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। और आपको मौका मिलेगा ग्रेटर चाइना के अंदर जो भी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो आपको एक्सिस के इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कौन सी जानकारी पसंद आई है, कौन सी नहीं पसंद आई है, और अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और जानकारी आप तक जल्द ही पहुँच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।